हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज अपन राजस्थान का नया टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान का वन्यजीव शुभंकर। इसके बारे में अपन सब जिलों का अलग अलग वन्यजीव शुभंकर आवंटित हुए थे, तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं ना आपको इसको सम्मान के हिसाब से पढ़ा देता हूँ। अपने पूरे राजस्थान में 7 सम्मान है, 7 सम्मान को उनको वन्यजीव शुभंकर आवंटित हुए उसके हिसाब से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले अपन सम्मान लेते हैं उदयपुर सम्मान लेते हैं। उदयपुर सम्मान में अपने कितने जिले हैं ये देख लो आप। पहला समांग उदयपुर समांग है, और उदयपुर समांग में 6 जिले हैं। जिले कौन कौन से हैं देख लो। सबसे पहले आपका उदयपुर आएगा, फिर आपका चित्तौड़गढ़ आएगा। कुछ लोग इसके अंदर भिलवाड़ा पर ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें भिलवाड़ा नहीं आता है। फिर आएगा इसमें डूंगरपुर, फिर आएगा इसमें बांसवाड़ा, फिर आएगा इसमें प्रतापगढ़, छठा आएगा इसमें राजसमंद। टोटल राजस्थान में 7 सम्मान है। 7 सम्मान में सबसे पहला सम्मान अपन उदयपुर सम्मान ले रहे हैं। उदयपुर सम्मान में 6 जिले हैं। 6 जिलों के 6 नाम ये देख लो आप, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद। अब इनके वन्य जीव शुभंकर बताता हूँ। उदयपुर का हो गया कब्र बिजू, चित्तौड़ का हो गया चौसिंगा, डूंगरपुर का हो गया जांगिल, बांसवाड़ा का हो गया जलपीपी और प्रतापगढ़ का हो गया उड़न गिलेरी। प्रतापगढ़ में सीता माता का वर्ण बहुत फेमस है, उसके अंदर ये पाया जाता है उड़न गिलेरी, और राजसमंद का है भेड़िया। ठीक है दोस्तों, 6 जिले, 6 जिलों के 6 वन्यजीव शुभंकर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट सम्मान लेते हैं अजमेर सम्मान। अगला वाला लेते हैं अपन अजमेर सम्मान। अजमेर सम्मान में कुल कितने जिले हैं दोस्तों? अजमेर सम्मान में टोटल 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से? सबसे पहला है अजमेर, टोंक, नागौर और भिलवाड़ा। ये 6 4 जिले हैं अजमेर सम्भाग में। सबसे पहले अजमेर, फिर टोंक, फिर नागौर, फिर भिलवाड़ा। तो मैं बता देता हूँ, अजमेर का है खमनौर। खमनौर एक पक्षी होता है, अजमेर का खमनौर। टोंक का हो गया हंस और नागौर का हो गया राजहंस। ये पास पास वाले जिले में कंफ्यूज वाले हंस राजहंस, ध्यान रखना आपको। ये नागौर के अंदर नाग देवता जो राज करते हैं, ऐसे करके याद रखना। भिलवाड़ा का हो गया मोर। ठीक है, इसका खमनौर, इसका मोर, इसका हंस, इसका राजहंस, चारों जिले, चारों कंफ्यूज वाले, ध्यान से करना इसको। अजमेर का हो गया खमनौर और भिलवाड़ा का हो गया मोर। सबसे ज्यादा भिलवाड़ा में मोर पाए जाते हैं। जैसे टोंक का हो गया हंस, नागौर का हो गया राजहंस, नाग देवता नागौर में राज करते हैं, ऐसे करके आ जाना। ठीक है, ये दूसरा सम्मान में मिट गया अपना। अब अपन लेते हैं तीसरा सम्मान, कोटा सम्मान लेते हैं। चलो, कैसे याद हो रहा है दोस्तों? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। अब लेते हैं अपन कोटा सम्मान अपना तीसरा। कोटा सम्मान में टोटल 4 जिले हैं दोस्तों। चारों जिलों के नाम मैं बताता हूँ आपको। इसको हड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं। इसके चारों जिले हैं अपने। सबसे पहला है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, ये 4 जिले हैं और चारों जिलों के मैं बताता हूँ अब आपको। कोटा का कूद बिलाओ, कोटा में आपको पता है चंबल नदी, चंबल नदी का प्रभाव होता है। कूद बिलाओ नाम है यहाँ पे। बूंदी का सुरकाव पक्षी, बारा का मगरमच्छ और झालावाड़ का है गागरोनी तोता। झालावाड़ में गागरोनी दुर्ग भी है, इसलिए इसका यहाँ पे गागरोनी तोता नाम का वन्यजीव शुभंकर है। ये चारों जिले हड़ौती के और चारों के ये हो गए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट मांग लेते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ आपको सम्मांग के जिले, सम्मांग और सम्मांग के जिले और उनके वन्यजीव शुभंकर दोनों एक साथ याद हो रहे हैं, ये आपके लिए बहुत फायदा है।
चौथे नंबर का लेते हैं अपन अब जोधपुर सम्भाग। जोधपुर सम्भाग दोस्तों मैं बता देता हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सम्भाग है और इसके अंदर भी 6 जिले हैं। इसके अंदर 6 जिले हैं जोधपुर सम्भाग में। 6 जिले कौन कौन से? सबसे पहले जोधपुर जिसका करंजा है, फिर जैसलमेर इसका है गोडावन जो अपना राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, और इसके बाद में आप ले लो आप बाड़मेर, बाड़मेर का मरु लोमड़ी है, फिर ले लो आप जालौर, जालौर में सुंडा माता अभयारण्य है और उसके अंदर सबसे ज्यादा भालू पाए जाते हैं, इसका भालू वन्य जीव शुभंकर है, और फिर आप ले लो पाली, पाली का तेंदुआ है, सिरोही, और सिरोही का क्या होगा जंगली मुर्गे। ठीक है दोस्तों, ये 6 जिले हो गए जोधपुर संभाग के और 6 जिलों के 6 वन्य जीव शुभंकर। जोधपुर का कुरंजा पक्षी, जैसलमेर का घोड़ावन जो अपना राष्ट्रीय राज्य पक्षी भी है, और बाड़मेर का मरु लोमड़ी, जालौर का भालू, और पाली का तेंदुआ, और सिरोही का जंगली मुर्गे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने 4 सम्भाग हो गए। 5वां सम्भाग लेते हैं अपन अब बीकानेर सम्भाग। पांचवा सम्भाग है आपका बीकानेर सम्भाग। बीकानेर सम्भाग में 4 जिले अपने टोटल 4 जिले हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ सबसे पहले बीकानेर सम्भाग के कौन कौन से जिले हैं। पहला है बीकानेर, फिर है चूरू, फिर है गंगानगर, फिर है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का आएगा छोटा किला, गंगानगर का आएगा पक्षी कौन सा है चिंकारा, चिंकारा राष्ट्रीय राज्य जानवर है ये अपना चिंकारा। चूरू का आएगा बर्तीचर, नहीं काला मृग, लाल छापर अभयारण्य चूरू के अंदर जिसके अंदर सबसे ज्यादा काले मृग पाए जाते हैं इसलिए इसका काला मृग। बीकानेर का बर्तीचर। ठीक है, बीकानेर सम्भाग में 4 जिले आते हैं। 4 जिले बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, और इसके अंदर ये उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, और इसके अंदर 4 जिलों के 4 वन्य जीव शुभंकर है। बीकानेर का बर्तीचर, चूरू का है अपना काला मृग, और गंगानगर का चिंकारा, हनुमानगढ़ का छोटा किला। इस प्रकार से अपन अगले सम्भाग में जाएंगे 6 नंबर का सेकेंड लास्ट। चलो लेते हैं अपन जयपुर। अब पूर्वी सम्भाग बच गए अपने जयपुर भरतपुर सम्भाग, और अब आएगा 6 नंबर का जयपुर सम्भाग। दोस्तों बता देता हूँ जयपुर सम्भाग में भी 5 जिले हैं टोटल। 5 जिले कौन कौन से मैं दिखा देता हूँ आपको। जयपुर, झुंझुन, सीकर, दौसा और एक अलवर। ज़्यादातर लोग अलवर को भरतपुर का मानते हैं हिस्सा, लेकिन भरतपुर का नहीं है, अलवर का है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ जयपुर का वन्य जीव शुभंकर है चीतल, सीकर का साइन, दौसा का है खरगोश। जयपुर सभा में 5 जिले हैं और 5 जिलों में जयपुर, झुंझुन, सीकर, दौसा, अलवर। 5 जिले के जयपुर का है चीतल, और झुंझुन का हो गया आपके काला तीतर, और अलवर का हो गया सांबर, और सीकर का हो गया साइन, और दौसा का हो गया खरगोश। ठीक है, 5 जिले, 5 जिलों के 5 वन्य जीव शुभंकर। जयपुर का चीतल, झुंझुन का काला तीतर, और सीकर का साइन, दौसा का खरगोश, और अलवर का सांबर। ठीक है दोस्तों, अब अपना लास्ट सम्भाग बचा है 7वां नंबर का भरतपुर सम्भाग। भरतपुर सम्भाग में 4 जिले आते हैं। दोस्तों जानकारी जैसी अच्छी कैसी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को, हमारा इससे हौसला बढ़ेगा। इसी के साथ अपन भरतपुर सम्भाग देखते हैं। भरतपुर सम्भाग के 4 जिले कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है भरतपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। अक्सर कहीं दोस्त हमने
अलवर को भी इसमें मानते हैं। और चौथे नंबर का आ गया सवाई माधोपुर। भरतपुर समांग में चार जिले हैं, चारों जिले में भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। भरतपुर का हो गया आपके, करौली का हो गया आपके घड़ियाल, धौलपुर का हो गया आपके बचेवा पक्षी, और सवाई माधोपुर का हो गया बाघ, भरतपुर का हो गया आपके सारस। ठीक है दोस्तों, ये चारों जिले भरतपुर समांग के, और भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। भरतपुर का हो गया सारस, करौली का हो गया घड़ियाल, धौलपुर का हो गया पचीरा, और सवाई माधोपुर का हो गया बाघ। ठीक है, इस प्रकार से अपने सात समांग कंप्लीट हो गए, सात समांग के 33 जिले हो गए, उसके साथ अपन को उनके वन्यजीव संग्रह भी याद हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।